हाय एवरीवन, मैं लक्ष्मी गुप्ता, लक्ष्मी किचन क्वीन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फेस्टिवल स्पेशल बहुत साबुदाना खीर। साबुदाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे साबुदाना। साबुदाना हम एक कटोरी लिए हैं, सिंपल जो मोटा वाला साबुदाना आता है वो, जिससे हम खिचड़ी भी बनाते हैं। क्योंकि साबुदाना जो है इसमें बहुत सारे स्टार्च होते हैं, इसलिए इसे हम 3 से 4 बार मसलते हुए धो लेंगे। इसमें जितना एक्स्ट्रा पाउडर होता है वो सब निकल जाते हैं, जिससे हमारी खीर जो है ये चिपकेगा नहीं। अक्सर लोगों की साबुदाना की खीर बनाने में ये शिकायत रहती है कि जब हम साबुदाना डालते हैं तब चिपचिपी रह जाती है या लटकने लगती है, जल जाती है, उतना खिली खिली नहीं बनती है। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, इससे खीर जो है ये बहुत ही गाढ़ी मलाईदार तैयार होगी। ये देखिए, 3 से 4 बार हम साबुदाना को धो लिए हैं और अब ये देखिए सारा जो है स्टार्च निकल गया है, ये साफ दिख रहा है। अब हमें साबुदाना को भिगोना होगा करीब 1 घंटे के लिए। उसके लिए हमें इसमें इतना पानी रखना है जिससे सारी साबुदाना डूब जाए, 1/2 इंच पानी ऊपर हो। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है खिला खिला साबुदाना बनाने के लिए। अगर इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर ये लपसी सा हो जाएगा, तो फिर ये बेकार हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रोसेस जो है साबुदाना बनाने के लिए वो तैयार करते हैं। साबुदाना की खीर बनाने के लिए हम लिए हैं 1 लीटर दूध। सबसे ज़रूरी टिप्स, जब भी आप साबुदाना की खीर बनाएं तो कच्चे दूध से ना बनाएं, नहीं तो यह फिर फट जाएगा, ये फटने का डर रहता है। पहले आप एक बार दूध को उबाल लें, बढ़िया से उबलने के बाद ही आप इससे खीर बनाएं। क्या होगा, आपकी जो खीर है ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा या फटेगा नहीं। ये देखिए दूध भी बढ़िया से उबाल आ गई है दूध में। अब हम गैस को जो है ये बंद कर देंगे और साबुदाना ये देखिए ये जो है पूरी तरह से फूल गया है। अब हम कढ़ाई गैस में बैठाएंगे और इसमें 1 चम्मच इतना घी डालेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है घी, जो है घी डालने के बाद ये घी को थोड़ा सा हम गरम कर लेना है, तो ही और चारों तरफ आपस में कढ़ाई में घी को फैला देना। और ये देखिए हमारा साबुदाना जो है 1 घंटों के लिए जो हम भिगोए थे ये पूरी तरह से ये देखिए फूल चुकी है, और हमारा पानी भी जो हम इसमें 1 इंच ऊपर छोड़े थे वो करीब करीब सारा सोख लिया। थोड़ा बहुत जो पानी है वो फ्राई करने में वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए अब हम इसमें साबुदाना को सारा को डाल देंगे। आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को पहले घी में थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेंगे। हम ड्राई फ्रूट्स के इसमें इस्तेमाल नहीं किए हैं, और आप अगर चाहें तो इसमें कर सकते हैं। और ये देखिए हम मिडिल आंच में करके करीब 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लेना है। और ये देखिए हमारा जो है साबुदाना हम फ्राई कर रहे हैं, और ये देखिए हमारा साबुदाना जो है बिल्कुल खिला खिला है, एक भी चिपका नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जैसा कि हम उसमें फूलने के टाइम में थोड़ा कम पानी दिए थे वही चीज़ करिए। और हम इसमें देखिए करीब 1 लीटर जो है ये सारा दूध इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम गैस की कढ़ाई जो है ये आंच को हम मिडिल ही रखेंगे, ज़्यादा तेज भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना, और करीब हमें इसे 10 से 15 मिनट तक पका लेना और इसे चलाते रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो फिर ये नीचे बैठ जाएगा। और ये देखिए हमारा साबुदाना जो है बिल्कुल आपस में कितना सुंदर खिला खिला बन गया, ये आप देख ही रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इलायची डाल रहे हैं। आप इसमें शायद थोड़ा सा ये कुछ और भी कलर, जो फूड कलर जो होता है ऑरेंज या येलो फूड कलर, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी हम 2 बड़े चम्मच दिए हैं। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार, जैसा आपको मीठा पसंद हो वही अनुसार से डालें। इसमें केसर का भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। हम ये प्लेन साबुदाना बना रहे हैं तो हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाए हैं। ये देखिए हमारा साबुदाना जो है ये कितना अच्छा हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे करीब 1 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे कि साबुदाना फूल जाए। और ये देखिए हम सर्विंग की ओर चलते हैं। हमारा साबुदाना जो है कितना सुंदर बढ़िया खिला खिला बना है। दोस्तों आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ट्राई करें और ऐसे ही करें, किसी व्रत त्यौहार में आप इसे बनाएं, खाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि ये कैसा बना है। अच्छा कमेंट करना हो, लाइक करना हो, जो आपको लाइक करना हो तो आप लाइक करें, डिसलाइक करना हो तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसे देखिए हम हल्की ड्राई फ्रूट्स किशमिश से हम इसे तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा सजा देते हैं। ये देखिए
दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। तो फिर दोस्तों चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।